get into the word. लेकिन चलिए सीधे वचन पे जाएंगे. Few years ago, कुछ सालों पहले, my family and I, we visited Egypt as part of the Holy Land tour. और देखिए जब इज़राइल के दौरे पे गए थे पासवान जी और उनका परिवार तो मिस्र में जो होते हैं वहां गए थे देखने के लिए. And we were taken for a tour on the Nile River. और देखिए वहां जो नील नदी है वहां पर इनको ले जाया गया. And as we were on that boat, और जैसे हम उस नाव में सवार थे, the guide said, तब वहां के गाइड ने कहा, something very powerful, कुछ तो बहुत ही जबरदस्त. They said if this river Nile would not be there, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर ये नील नदी नहीं होती, there would be no Egypt, तो कोई मिस्र नहीं रहता. This is the river, देखिए ये है वो नदी. This river is the largest river and the longest, rather the longest river in the whole world. और देखिए ये नदी जो है दुनिया में की सबसे लंबी नदी है. It's so long, बहुत ही लंबा है ये, that it crosses the nations, यहां तक कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों को पार करके जाती है. And this statement is so true. और देखिए फिर उन्होंने जो ये बयान दिया था बहुत ही सत्य है. When I saw, जब इन्होंने देखा, that the Nile River, because of this river Nile, on the banks of the river, many cities have come up. और देखिए इस नील नदी के किनारे पर किनारे किनारे पे बहुत सारे शहर बन गए. It was used for transportation in the old days. पुराने जमाने में देखिए यातायात के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था. And it brought the country together. और फिर देखिए इसने जो राष्ट्र को एक साथ में लेकर आया. And as I was on that river, as my family and other team members were on that river, we were cruising. और जैसे पासवान जी का परिवार और टीम के कुछ और भी सदस्य लोग जब उसमें नाव में सवार होकर जा रहे थे. मैंने ये सोचा, ध्यान से सुने, सुनिए, कि कैसे एक नदी पूरे देश के भविष्य को बदल सकती है. मेरे साथ बोलिए कोई, तो एक नदी जो इंसान का भविष्य बदल सकती है, जो इंसान का भविष्य बदल सकती है, उनके इतिहास को बदल सकती है, उनके इतिहास को बदल सकती है. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? एक नदी. एंड द बाइबल स्पीक्स अबाउट अ रिवर. और बाइबल भी देखिए बताती है नदी के बारे में. द बाइबल स्पीक्स अबाउट अ रिवर. बाइबल नदी के बारे में बताती है. एंड द रिवर इज कॉल्ड एज द रिवर ऑफ गॉड. और वो नदी जो है उसे नाम दिया गया परमेश्वर की नदी. हालेलुया. बोले हालेलुया. बोलिए परमेश्वर की नदी. If you open your Bibles to the book of Genesis, chapter 2 and verse 10. और अगर आप अपने बाइबल में निकालेंगे उत्पत्ति का दूसरा अध्याय उसका दसवां वचन. Now a river went out of Eden to water the garden, and from there it parted and became four river heads. अदन से होकर एक नदी बहती थी और वह भाग को पानी देती थी. सब जो बोलिए नदी. ये नदी को किसने बनाया था? ये नदी को किसने बनाया था? परमेश्वर ने नदी को बनाया था. ध्यान से सुने इस वक्त, ये नदी का निर्माण जो है किसी इंसान ने नहीं किया था, ये परमेश्वर ने किया था. When God created Adam and Eve, देखिए जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, He put them in a garden called Eden. तब परमेश्वर ने उनको अदन नामक एक बगीचे में रखा. And from that Eden, और उस अदन में से one river started. एक नदी शुरू हुई. ध्यान से सुने इस वक्त, और मेरे साथ बोलिए, वो नदी आगे जाकर चार छोटी नदियां बन गई. मतलब एक नदी तो खुदा ने तैयार की थी, लेकिन खुदा ने उस नदी को चार हिस्सों में बांटा. ताकि क्यों बांटा पता है? ताकि वो दूसरे दूसरे क्षेत्र में जाने लगे. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? जैसे आप घर में अपनी तनख्वाह को लेकर आते हो, यू ब्रिंग योर सैलरी एट होम. आप अपने घर में अपनी तनख्वाह लेकर आते हैं. मानो एक नदी है वो. मान लीजिए एक नदी है. एंड देन यू डिस्ट्रीब्यूट योर सैलरी. फिर उसके बाद आप अपनी तनख्वाह को बांटते हैं. कम ऑन, ये सुनो. इट गोज फॉर इलेक्ट्रिसिटी. और देखिए इलेक्ट्रिसिटी में जाता है. बिजली, यस. पानी के लिए जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए जाता है, खाने पीने के लिए जाता है. एक नदी जो है बट जाती है और बहुत सारी चीजों में वो खुशियां लेकर आती है. लेकिन वो सूत्र जो है एक सूत्र था. देखिए वो स्रोत जो है एक ही था. It was one source. वो एक ही स्रोत था. Come on, are you listening? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Very important. बहुत महत्वपूर्ण. God created that river. परमेश्वर ने उस नदी को बनाया. The river coming out of Eden. और वो नदी जो अदन के बगीचे में से निकलती है. It was not created by accident. It was created by God. ये इत्तफाक से नहीं बन गया था, परमेश्वर ने खुद इसे बनाया. And if you read further on. और अगर आप आगे पढ़ेंगे कि यही जो नदी थी बहुत सारे राष्ट्रों को टच की उन्होंने. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त?
The river of God. परमेश्वर की नदी. From this we come to know. और इससे देखिए हमें पता चलता है. The heart of God. परमेश्वर का दिल. That even before, you know, दूसरे जो मनुष्य पैदा होते, दूसरे मनुष्य का निर्माण होता, उन्होंने उनके लिए नदी पहले से तैयार की थी. ऐसा नहीं कि खुदा जो है इंसान जो इनका उनका विकसित हुए इंसान पूरे देश में पूरे देशों में और बाद में बोले अरे अभी लोगों के लिए मुझे नदी बनानी है. कितने लोग सुन रहे हैं. यू सी गॉड इज अ फादर. अब देखते परमेश्वर एक पिता है. He is the father. वही तो पिता है. He prepares things in advance for his people. वो अपने लोगों के लिए चीजों को पहले से ही इंतजाम कर लेता है. बाजी वाले को बोलो पहले से आपके लिए इंतजाम हो चुका है. अपने दूसरे पड़ोसी से कहो पहले से क्या पहले से आपके लिए जरूरी चीजों का इंतजाम. हाँ. If you go to the book of Luke chapter 19. अगर आप निकालेंगे लुका के 19वें अध्याय में. Go to Luke 19. चल निकालें लुका का 19वां अध्याय. आपके लिए होमवर्क है. बोले ये क्या? You have to grow in the word of God. आप लोगों को परमेश्वर के वचन में बढ़ने की जरूरत है. Open your Bibles. चलिए सभी लोग बाइबल खोलेंगे. If you read in Luke 19. अगर आप पढ़ेंगे लुका के 19वें अध्याय में. We see one man called Zacchaeus. वहां पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को जिसका नाम था जक्कई. Zacchaeus was a short man. जक्कई एक नाटा कद का व्यक्ति था. He was a short man. वो नाटे कद का व्यक्ति था. Bible scholars say he was only 4 feet, around 4 feet. और बाइबल के विद्वान ऐसा कहते हैं कि उसका कद जो है सिर्फ 4 feet का था. People must have made fun of him. लोगों ने इसका मजाक उड़ाया होगा. Hey, छोटू छुटकू फुट क्या क्या नाम देते ना बुटकू छुटकू क्या क्या देते. जब आदमी की किसी कमजोरी होती है तो दुनिया उसकी कमजोरी का एक नाम रखती है. अरे क्या बात है. मजाक नहीं वो कमजोरी का नाम रखती है. अगर आप बेचारे एक पैर से अब कह रहे लंगड़ो भाई कुछ तो नाम रखते हैं. आप सुना होगा या सुनो आया नहीं. दुनिया आपके कमजोरी का एक मजाक नाम बनाती है. And this man Zacchaeus, और ये आदमी Zacchaeus, he wanted to see Jesus. वो यीशु को देखना चाहता था. उसके अंदर एक दर्शन था. Yes, मैं यीशु को देखूंगा. एक दर्शन था. उसके अंदर एक जुनून था. He had a fire that he wanted to see Jesus. उसके अंदर एक जुनून था कि वो यीशु को देखना चाहता है. But he had a weakness. लेकिन उसके सामने कमजोरी थी. He had a weakness. उसमें कमजोरी थी. So what, in spite of that weakness, उस कमजोरी के बावजूद भी, वो बोला कोई नहीं मेरी कमजोरी हो सकती है लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा. मैं कोशिश करूंगा. बाजी वाले को बोल आपको भी कोशिश करनी है. पड़ोसी को बोलिए आपको भी कोशिश करनी है. कोशिश करनी है भैया कोशिश करनी है. अब आप इस संसार में आए तो आपकी माँ ने कोशिश की थी आपको निकालने के लिए बाहर. हर एक माँ जानती है. सब माताएं बोलेंगी आमीन. यस खुदा की देन है लेकिन माँ का भी उसमें हिस्सा होता है भाई. आप सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. यस उसने कोशिश की. वो दौड़ा और उसे एक पेड़ दिखा. एंड ही सेड उसने कहा I have to climb this tree. मुझे इस पेड़ पर चढ़ने की जरूरत है. And he climbs that tree. और वो उस पेड़ पर चढ़ जाता है. And he sees Jesus. और वो यीशु को देखता है. I want to ask you. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. Did God put that tree on the same day? क्या परमेश्वर ने उसी दिन उस पेड़ को वहां लगाया था? अरे जकेस मेरा बेटा आज मुझे देखने की इच्छा रख रहा है तो आज में ए गैब्रियल स्वर्गदूत जा जल्दी से एक पेड़ लगा यार. हाँ तेरे डब्बे में से एक कबड़ में से एक स्वर्गीय कबड़ में से एक पेड़ निकाल डाल दे उधर जेरूसलम में या किधर भी जेरिको में डाल दे क्योंकि आज मेरा बेटा पेड़ पे चढ़ने वाला है. क्या खुदा ने पेड़ उस दिन बनाया था? नहीं. मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि खुदा आपकी जरूरतों को पहले से जानता था. आप निर्माण होने से पहले खुदा ने आपके लिए ऐसे कुएं तैयार किए हैं जहां से आप पी सकते हैं. ऐसे पेड़ तैयार किए हैं जो आप चढ़ सकते हैं. ऐसे दरवाजे खड़े किए हैं जो खुल सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड खुदा तुम्हारा पिता है. बोलिए हालेलुया हालेलुया. जोर से बजाओ यीशु के लिए ताली हालेलुया. He's a good father. वो एक अच्छा पिता है. He's a good father. वो एक अच्छा पिता है. He knows you need a husband. उसे पता है कि आपको पति की जरूरत है. He knows you need a wife. उसे पता है कि आपको पति की जरूरत है. He knows you need children. उसे पता है कि आपको बच्चों की जरूरत है. He knows you need finances. उसे पता है कि आपको पैसों की जरूरत है. He knows you need a job. उसे पता है कि आपको नौकरी की जरूरत है. खुदा ने आपके लिए पहले से इंतजाम कर चुका है.
अरे दूर क्यों जाना, अपने माँ बाप को देखो, माँ माँ बेचारी गरीब होती है लेकिन सोचती है ये जो है ना मैं छोटी सी कान की बनाऊंगी क्योंकि मेरी बेटी बड़ी होगी ना, कमॉन कमॉन, हर एक माँ ऐसी सोचती है बेचारी, खुद के पास वो बैंड्रा वाली कुछ तो लगा के घूमेगी लेकिन अपनी बेटी के लिए ना थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, ये पुरुष लोग नहीं जानते, लेकिन पुरुष भी अलग होते हैं, वो बेचारे 10-10, 8-8 घंटे काम करते, मैंने देखा है गल्फ में देखा है, कोई कोई लोग 12-16 घंटा काम करते हैं और उनको पूछते भैया क्या हालत बने, वो बोले क्या करूं फैमिली के लिए कर रहा हूं। इफ अ मैन, इफ अ फादर एंड अ मदर ऑफ दिस वर्ल्ड कैन डू सो मच फॉर देयर चिल्ड्रन, अगर इस दुनिया में एक माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना ज्यादा कर सकते हैं, हाउ मच मोर योर हेवनली फादर, तो आपका स्वर्गीय पिता कितना ज्यादा करेगा। आज इस बात को जान लो कि खुदा ने आपके लिए चीजें पहले से तैयार की हैं। जोर से बोलिए, खुदा ने मेरे लिए चीजें पहले से तैयार की हैं। ऐसे दरवाजे खोल के रखे, बोला बेटा मेरा कभी तो अंदर आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं। आज मैं वचन पढ़ना चाहता हूं। I want you to read the word of God। चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें। Look at the word। वचन को देखें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग वचन में बढ़े। I want you to grow in the word of God। और चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ें। Look what it says। देखिए वचन क्या कहता है। 1 Corinthians 2 and verse 9। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 9वां वचन। But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, or have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him। हम साथ में पढ़ेंगे। परंतु जैसा लिखा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी आगे क्या लिखा है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, आंखों ने नहीं देखी कानों ने नहीं सुनी, जो बातें लोगों के मन में नहीं आई, हाँ वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखा है। तो आपका कार्य, आपका क्या करना है, आपको इतना ही करना है कि आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। बोले खुदा मैं अपनी ताकत में उस लेवल पर नहीं जा सकता। You know, I was looking at somebody. देखिए पासवान जी किसी को देख रहे थे। सुनिए इस वक्त। सुनिए। I was in a hotel. पासवान जी एक होटल में थे। And there was a small boy, छोटू, you know. और वहाँ से एक छोटा सा लड़का। मस्त गोल-गोल था। वैसे पैंपर डाल के घूम रहा था ऐसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चे, ना? वैसे पैंपर बांध के देखो छोटू यहाँ पर, बोल छोटू यहाँ पर दिख रहा है। ये तो अभी मम्मी के गोद में बैठा है, वो छोटू ज्यादा यू नो घूम रहा है फिर रहा है, तो पैंपर डाल के ऐसे ऐसे घूम रहा है। और एंड द वेटर ही ब्रॉट सम स्वीट्स, और देखिए वहां का जो वेटर था कुछ मिठाई खाने की चीजें लेकर, केक और सम पेस्ट्री, पता नहीं कुछ पेस्ट्री या केक। ही सॉ दैट, जब उस बच्चे ने उसे देखा, एंड ही इज कमिंग टू द टेबल, और वो टेबल के पास आने लगा। अभी टेबल उससे दो कद बड़ा है, एंड ही इज ट्राइंग टू, और देखिए वो कोशिश कर रहा है ऊपर आने की। कितने लोग जानते हैं कभी नहीं आएगा ऊपर, कोशिश कर रहा है बेचारा, कोशिश कर रहा है, पैंपर वैम्पर निकल गया उसका। सच बोल रहा हूँ, क्योंकि पैंपर में खाली एक ही लगा होता ना, हमारे पहले के पैंपर बहुत थे, सब माँ गांठ मारती थी ना, शाम तक नहीं निकलता था। अभी के पैंपर है ना, ऐसा हाथ दबाएंगे तो फस निकल जाता। प्रेज द लॉर्ड, बोले प्रभु की स्तुति हो। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, he tried a lot, और देखिए बहुत उसने कोशिश किया। Then his father saw him. फिर उसके पिताजी ने उसे देखा, picked him up like that, उसको ऐसा उठाया, boom, और वहां रख दिया, बैठ गया टेबल पे, चरे मुंह अब यहां पे पूरा डाल। No, listen, you're laughing, it's good. देखिए आप हंस रहे ना, अच्छा है, लेकिन when I looked at that boy, जब पासवान जी ने उस बच्चे को देखा, I said, इन्होंने कहा, ऐसी ऐसी जगह हैं, ऐसे ऐसे आशीष हैं, जो मैं अपनी ताकत में कभी उस स्थान पे नहीं पहुंच सकता, पिता तू मुझे उठा ले, तू मुझे उस स्थान पर लेकर आ। यू नो बहुत सारे बोलते मेहनत करो, करना जरूरी है सर, लेकिन आशीष का भी एक दर्जा होता है। अब गधे नहीं हो, अब परमेश्वर की संतान हो। देखो कोई को मुंह भी नहीं खोलता, इसे देख रहे मुझे, क्या पिक्चर देख रहे हो क्या? ऐसी ऐसी जगह हैं जहां पर अपनी ताकत से आप कभी नहीं जा सकते। खुदा की अनुग्रह से खुदा आपको उठाता है और उस स्थान पर आपको बिठाता है, और जो भी प्रिपेयर किया गया है, जो भी तैयार किया गया है,
उसका आशीष उसका आनंद आप उठा सकते हो. Today I'm telling you this. देखिए आज आपको बता रहा हूँ. You have to understand this truth. आपको सच्चाई समझने की जरूरत है. That's why you have to bring your Bible. और इसलिए आपको अपना बाइबल साथ में लाना चाहिए. It is a sign that you honor God's word. इस बात की निशानी है कि आप परमेश्वर के वचन का सम्मान कर रहे हैं. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? It's a sign that you honor God's word. ये इस बात की निशानी है कि आप परमेश्वर के वचन का आदर सम्मान कर रहे हैं. You know, बड़े लोग होते थे पुराने जमाने में जो उनका वचन का आदर करते थे उनको वो अलग नजर से देखते थे. बॉस लोग होते ना, बॉस लोग कभी कभी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी खाली बात सुनते हैं. जरा सोचिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए. वो हम परमेश्वर से डील कर रहे हैं. तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप वचन को लेकर आते हो, वचन पढ़ते हो, तो एक साबित करते हो कि खुदा मैं तेरे वचन को बहुत मान देता हूं. हालेलुया. Today make a decision. आज फैसला लीजिए. I am going to bring the word of God. कि मैं परमेश्वर के वचन को लाऊंगा. When you come on time to church. जब आप कलीसिया पर जो है. You heard the testimony of that sister. आपने उस बहन की गवाही को सुना. My stomach was paining. मेरा पेट दर्द कर रहा था. She put the anointing water. उन्होंने अभिषेक के पानी को लिया. खुदा उसके विश्वास को देखता, बोले मेरी बेटी जा रही है, आज मेरी बेटी जा रही है, तकलीफ है उसको, मैं उसे हील जरूर करूंगा. Praise the Lord. बोलिए प्रभु से. That's why you have to come on time. इसलिए आपको समय पर कलीसिया जाना है. रिक्शा पलटी हो गया, रिक्शा उड़ने लगा के गांव से आया क्या मैं? नहीं सर, वो ट्रेन का टायर पंचर हुआ. क्या ट्रेन का टायर पंचर हुआ? तेरे सर में हवा कम है. अब सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसे फालतू ये नहीं बोलना है. अगर हमको निकलना है, टाइम पर पहुंचना है, तो हम टाइम पर जरूर पहुंचेंगे कलीसिया में. इससे तुम किसका सम्मान करते हो मालूम है? अपने हाथों को उठाकर बोलिए प्रभु. हाथों को उठाकर बोलिए प्रभु. मुझे तेरे सम्मान करने सिखा. मुझे तेरा सम्मान करना सिखा. हाथों को उठाकर दोहराइए, प्रार्थना दोहराइए इस वक्त. हालेलुया. बोलिए पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे. Give me your strength, give me your power to honor you. और बोले पवित्र आत्मा मुझे तेरी ताकत दे, तेरा सामर्थ्य दे, तेरा सम्मान करने को. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. And God's people said amen. और परमेश्वर के लोगों ने कहा आमेन. So you see, the first thing, God has prepared something for you. तो आप देखते हैं पहली चीज यह है कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ चीज तैयार करके रखा है. From before only. शुरू से पहले. What we have to do is only we have to honor him, we have to love him. और देखिए हमें इतना करना है कि हमें उसका आदर करना है, हमें उससे प्रेम करना है. Praise the Lord. बोले प्रभु की स्तुति हो. So the first thing we also see that there was a river. तो पहली चीज हमने ये देखा कि देखिए वहाँ पर एक नदी थी. In the first book of the Bible we see that there is a river. और देखिए बाइबल की पहली पुस्तक में हमने देखा कि वहाँ पर एक नदी थी. And the last book of the Bible. और फिर हम देखते हैं बाइबल के आखिरी पुस्तक में. In the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक. Go to Revelation 22. चल निकाले प्रकाशित वाक्य का अध्याय 22. There we see a river. और वहां पर भी हम एक नदी देखते हैं. There in Genesis we saw the river that God had prepared. और देखिए उत्पत्ति में हम देखते हैं एक नदी को जो परमेश्वर ने तैयार किया. And in the book of Revelation. और फिर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक chapter 22. 22वां अध्याय. There also we see a river. वहां पर भी हम नदी को देखते हैं. Look at this. देखिए यहां. And he showed me and God showed John a pure river of water of life. और देखिए परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया जीवन के जल का एक नदी को. Clear as crystal. और बिल्लौर के समान झलकती हुई. Proceeding from the throne of God and from the Lamb. जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल कर आती है. सभी लोग पढ़ेंगे. फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई. कौन सी नदी? मुंह खोलिए सिस्टर. जीवन की नदी. जीवन की नदी मतलब उस पानी जो था, अगर वो पानी किसी कैंसर पर आ गया तो सर कैंसर मर जाएगा. Praise the Lord. बोलिए प्रभु की स्तुति हो. I'm telling you, जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल कर बह रही थी. When God sits on the throne. देखिए जब परमेश्वर सिंहासन पर बैठता है. From that under the throne there's a river of life. और देखिए उस सिंहासन के नीचे से जीवन की जल की नदी बहती है. This is the picture. Many great servants of God have seen this. और देखिए ये चित्र परमेश्वर के बहुत सारे सेवकों ने इस चित्र को देखा है. There is really a river. और सचमुच का ऐसा एक नदी है. Hello, are you there with me right now? You see, many people ask me. देखिए बहुत सारे लोग इनसे पूछते हैं. You know, I was many years ago. I was in Haryana. और कई साल पहले पासबाजी हरियाणा में थे. And there was a stadium like this, small mini stadium, like a छोटा stadium, like a hockey stadium. Hockey stadium. Nearly 5,000 people were gathered. It was the second day. और तकरीबन देखिए 5,000 लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और दूसरे दिन की सभा चल रही थी. It was the second day because first day also something God started doing. और पहले दिन भी परमेश्वर ने कुछ अद्भुत काम करना शुरू किया. और वहाँ पर
वहां पर जो है परमेश्वर का अभिषेक बहने लगा, और इतना ही मैंने बोला कि परमेश्वर की नदी यहां पर बह रही है। और वहां पर एक, मुझे पता नहीं क्योंकि 5,000 लोग नहीं है यहां पर, तो सिर्फ 100 या 125 लोग होंगे, पता नहीं मुझे। सोचिए जरा कितनी बड़ी विशाल, 5,000 लोग खचा खच भरे हुए। और वहां पर एक बच्ची थी, ये बच्ची वो फर्स्ट फ्लोर से गिरी हुई थी और उनके पैर जो थे ऐसे हुए थे। और मैंने कहा कि परमेश्वर की नदी, परमेश्वर का अभिषेक बह रहा है, जो लोग चल नहीं सकते कोशिश कीजिए चलने के लिए। और वो पिताजी ने अपनी छोटी बेटी को गोद में से उठाकर चलाने की कोशिश की, उसके पैरों में जान आ गई। सुनिए सुनिए, पास्टर्स, नन्स, प्रीस्ट वहां पर बैठे हुए थे। मैंने जब रूम में आकर मैं प्रभु को धन्यवाद देता दे रहा था रात को, तो खुदा ने मुझे कहा कि ये नदी बेटा, अगर तू उसे बहने देगा या लोग उस नदी को मेरे जीवन, उनके जीवन में बहने दोगे, तो हर एक मरी हुई चीज उनके जीवन में जिंदा हो जाएगी। यही नदी लेकर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, सच बोल रहा हूं। जहां पर उन्होंने मौत का सामना किया, वो नदी भाई मौत मर गई। टुडे, आज I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूं, these are not words, और ये खाली महज शब्द नहीं है। This is the gospel, ये है सुसमाचार। This is the truth, ये सत्य है। प्रकाशित वाक्य 22 उसका दूसरा अध्याय पर दूसरा वचन पढ़ेंगे इस वक्त। In the middle of its street and on either side of the river there was a tree of life which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. वो जो पेड़ जो वहां पर था उसके बाजू में से वो नदी बह रही थी। पेड़ के जो, जिस चीज के नजदीक आप रहते हो उसी का आप लुफ्त या आनंद उठाते हो। कितने सुने मैं क्या कह रहा हूं, हिंदी में पढ़ेंगे इस वक्त। आप लोग तैयार हैं? हिंदी में पढ़िए इस वक्त। पास्टर जी पढ़िए। चलिए पढ़ेंगे। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। क्या बहती थी? कौन सी नदी? परमेश्वर के जीवन की नदी। यस, आगे पढ़िए। आगे लिखा है, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? अभी सवाल ये उठता है कि ये जीवन का वृक्ष कैसे बना, क्योंकि वो जो जीवन का जो वृक्ष होता है, वो जो जीवन का जल है ना, वो पी रहा था। जितना पी रहा है वो, तो वृक्ष में भी वो जीवन आ गया। हालेलुया। सुनिए, आप वो पेड़ हो, आपको नदी का पानी पीना, आपको आपके जीवन, आपका जो हर एक भाग में वो जीवन बहने लगेगा। ये जीवन का वृक्ष पानी पी रहा था, तो आगे देखो क्या लिखा है। और देखिए आगे लिखा है, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। कोई भी पेड़ अगर उसे पानी नहीं मिला तो फलवंत होगा क्या? नहीं। उसी प्रकार से आपको वो जल, उस नदी का जल आप पीते हो, मैं आपको समझाऊंगा, तो आपके जीवन में फल लगने लगेंगे। 12 फल का क्यों जिक्र किया गया है? कि हर एक महीने में, कोई कोई लोग कहते हैं ना, ये मेरा महीना नहीं है, ये मेरा खराब समय चल रहा है। सर, खराब समय नहीं होता है, महान परमेश्वर होता है। मैं आज से कहता हूं आपको, आपका कभी समय खराब नहीं होगा। आप हर एक ऋतु में, हर एक महीने में, हर एक हफ्ते में आप उचित फल लेकर आओगे। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, ऐसा होने दो प्रभु मेरे जीवन में, मेरे घरों में होने दो। हालेलुया। कोई कोई बोलो बोलता, मेरे ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ। सर, आप फलवंत होंगे, यू विल बेयर फ्रूट, ये देख लिखा है। 12 फल क्यों, इसका उल्लेख क्यों किया गया है? क्योंकि हर एक महीने में, हर एक साल में 12 महीने होते हैं। 13 होते हैं क्या? नहीं, 12 होते हैं। देखिए लिखा है, और वह हर महीने फलता था। हर महीने फलता था। आगे, और उस वृक्ष के पत्तों से राष्ट्र राष्ट्र के लोग चंगे होते थे। देखो, सिर्फ फल नहीं लगते थे, वो इतना उस पानी से वो सैटिस्फाई होता था कि उसके पत्ते में भी जान आती थी। सर, आपके वचनों में भी जान आएगी। आप बच्चों को ब्लेस करोगे, जा तेरा काम हो जाएगा, ब्लेस करता हूं मैं, पत्तों में आशीष आएगा। आप बोलेंगे, सर मैं एक नई जगह ले रहा हूं, बोले ठीक है चलो जाते हैं, आपके पत्तों में। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, क्योंकि आप इस इतना पानी पी चुके हैं, क्योंकि आपके पैरों में भी आशीष आ चुके हैं अभी है। बोले मैं छोटा सा भाजी का बिजनेस करता हूं। हाँ कोई नहीं, छोटा सा वड़ा पाव, कोई भी चीज छोटा नहीं होता है सर। जब आपके अंदर वो अभिषेक आ जाएगा, वो जीवन की नदी बहने लगेगी, आप उस हाथों को उस छोटे से इसमें डालेंगे, परमेश्वर उसमें जान फूंक देगा। हालेलुया, रिसीव कीजिए आज, ग्रहण कर लीजिए, रिसीव कीजिए आज, ग्रहण कीजिए आज, और बोलिए प्रभु मेरे जीवन में प्लीज तू ऐसा कर, और बोलिए प्रभु मेरे जीवन में मेहरबानी करके ऐसा कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं बच्चों से भी कहता हूँ, कभी आप देखो गरीबी जो है आप ताकत से नहीं हटा सकते सर, गरीबी ताकत से नहीं हटा सकता, क्योंकि वो पूर्वजों से आ रही है गरीबी। उस गरीबी को तोड़ने के लिए आपको एक ऐसा साधन, एक ऐसा अभिषेक चाहिए जो सिर्फ खुदा दे सकता है, और ये जीवन की नदी है। सच बोल रहा हूं, कोई कोई लोग बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन उड़ा देता है शैतान उसे, उड़ा देता है, और मांगते रहते हैं, बोले 100 देना भाई, 500 दे, 1000 दे, 2000 दे, परसों देता हूं, परसों नहीं, फिर तुम भागते हो उसको देख के। कोई कोई लोग कितना मेहनत करते हैं, एक एक काम पे से आते हैं, दूसरे काम पर भागते हैं, और बाद में ऐसी मेहनत के क्या फायदा जिस चीज का फल नहीं खा सकते हो। आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु जीवन का जल मेरे जीवन में बहने, मेरे जीवन में बहने दे प्रभु, मेरे जीवन में बहने दे प्रभु। प्रार्थना कीजिए इस वक्त। यू सी चर्च, आप देखते कलीसिया, यहां पर देखो क्या लिखा है, जाति जाति के लोग चंगे हो गए, हो जाएंगे, जाति के लोग चंगे होते थे, मतलब इन द बुक ऑफ ईडन, इन द गार्डन ऑफ ईडन, और देखिए अदन के उस बगीचे में, देयर आल्सो गॉड हैड अ हार्ट फॉर द नेशंस, वहां पर भी परमेश्वर के दिल में देखिए राष्ट्रों के लिए जगह था। इवन इन द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी, गॉड हैज अ हार्ट फॉर द नेशंस, परमेश्वर के पास देखिए राष्ट्रों के लिए दिल है, जाति जाति के लोग, दूसरे अलग अलग जाति के लोग। सो इट्स गॉड्स डिजायर फॉर यू टू बी हील्ड टुडे, परमेश्वर की तमन्ना है कि आज ही आप चंगाई पाए। जोर से बोलिए, परमेश्वर की इच्छा है, तमन्ना है कि मैं चंगा हो जाऊं, मैं ही नहीं मेरे परिवार के लोग। हालेलुया। एक भाई साहब आए थे, उनकी जो अपेंडिक्स जो है बस्ट हो गई। कितने लोगों ने टेस्टिमनी देखी, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए इस वक्त, और वो टेस्टिमनी आपको मिलेगी। उसका अपेंडिक्स बस्ट हुआ, उनका अपेंडिक्स जो था फूट गया था, फूट गया। अभी जब अपेंडिक्स फूट जाता है तो पॉइजन फैल जाता है। वो प्रभु की उपस्थिति माए, उन्होंने रिपोर्ट लिया, रिपोर्ट चंगा था। परमेश्वर की इच्छा है, जोर से बोले परमेश्वर की इच्छा है कि मैं चंगा हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, बोले प्रभु की स्तुति हो। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त, आपकी शादी, आप लोग अच्छे, एक औरत है, आप मर्द हैं, एक औरत है, आप एक ही घर में रह रहे हो, लेकिन आपके शादी में वो जान नहीं है, जस्ट जी रहे हैं, हो रहा है, कैसे है, चल रहे हैं, अरे कुत्ते बिल्ली भी चल रहे रे, कैसा हो रहा है, हो रहा है। जब परमेश्वर की जान आती है, परमेश्वर का जीवन तुम्हारी शादी में बहने लगता है, तुम्हारे तुम्हारे रिश्तों में बहने लगता है, एक रिश्तों में नई जान आती है। अब एसी में सो रहे हैं लेकिन सो नहीं पाते हो, कोई कोई लोग बिचारे रस्ते पे सो रहे हैं, उनको 10 बजे भी हॉर्न से उठाना पड़ता है, करेक्ट नो? यस। लेकिन आप एसी में सो रहे हो, मखमल में सो रहे हो, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही सर, ये परमेश्वर की देन है। आज खुदा से आपको मांगना है, कितने लोग मांगेंगे, खुदा से मांगो, और सिर्फ ऐसे मत मांगो जैसे परमेश्वर पर मेहरबानी कर रहे हो, प्रभु देना है तो दे, नहीं तो अगले शनिवार आ जाऊंगा। क्या पता तुझे घुसने भी मिले तो आएगा ना तू। योहन्ना 4 उसका 10, कितने लोग इस टीचिंग से आशीषित हो रहे हैं, कितने लोग शिक्षण से आशीषित हो रहे हैं। यस, आपको बढ़ना है वचन में। जॉन चैप्टर 4 वर्स 10, योहन्ना का चौथा अध्याय उसका 10, जॉन चैप्टर, खोलो खोलो खोलो, बाइबल खोलिए। One day, एक दिन, Jesus went to a place called Samaria. यीशु सामरिया नामक एक जगह में गए. And there, और वहाँ, he met a woman over there at the well. वहाँ पर कुएं पर एक महिला से उसकी मुलाकात होती है. She was a sinner. वो एक पापी नहीं औरत. She was living with many men. और बहुत सारे मर्दों के साथ वो रह रही थी. I don't know why, but we don't know the reason. पता नहीं क्यों. देखिए Jesus looked at her and said. देखिए यीशु ने उसकी ओर देखकर कहा. You know, she said, I've come here to draw water. और उसने कहा कि मैं यहाँ आई हूँ पानी निकालने को। And Jesus said to her in John chapter 4 verse 10. फिर यीशु ने देखे उसे कहा, योहन्ना का चौथा अध्याय 10वां वचन। If you knew who is asking you for water. यीशु ने उत्तर दिया, अगर तू जानती कि जो तुझसे मांग रहा है वो कौन है? I would have asked, you would have asked him and I would have given you living water. तो तू उससे मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का
पानी देता। क्या कौन सा पानी देता? जीवन का जल। हिंदी में पढ़ेंगे इस वक्त, एक दो तीन, कम ऑन पास्टर जी के साथ पढ़िए प्लीज। चलिए, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। वो क्या बोल यीशु क्या बोल रहा है कि तुझे तुम्हें मेरी पहचान नहीं है। अगर तुम्हें मेरी पहचान होती तो मुझसे सिर्फ तू ये पानी नहीं मांगती, जीवन का पानी मांगती। बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप लोग आते हो जाते हो, ठीक है, कभी कभी चप्पल भी जाती है, वो अलग बात है। नहीं करना नहीं ऐसा, आपको यीशु की पहचान नहीं है। आप चप्पल लेके जा रहे हो लेकिन आपके घर में गरीबी लेके जा रहे हो। अब सुन नहीं सर, कोई कोई लोग बोलते चलो मैं यू नो मिरेकल कर रहे हो, आप पुरानी चप्पल लेके आ रहे हो। आप सुन नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, आपके घर में आप वो पूरा जो जीवन का जो कचरा है वो लेके जा रहा है आपके घर में, आपके घर में गरीबी आएगी। देखना, याद रखना मैंने क्या बोला। और ऐसा हुआ था, हाँ एक बार हम लोग इधर उधर ना चप्पल चोरी हो गई थी। मैंने खुदा से कहा था, खुदा अगर वो चोर चप्पल नहीं लेके आएगा ना, उसके 7 पीढ़ियों में गरीबी आने दे। दूसरे दिन सारे चप्पल आ गए। मैं आज कहता हूँ जो भी चप्पल लेके गए ना, पूरे चप्पल लाना और उसके लिए एक नया चप्पल भी लेके आना। ये नहीं, सच बोल रहा हूँ, ये ऑफरिंग है। नहीं तो 3-4 पीढ़ी में आपकी गरीबी आएगी आपको, रस्ते पे मांगेंगे आप। कभी खुदा के घर से कभी चोरी नहीं करना। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? खुदा से कोई चोरी नहीं कर सकता है, खुदा से कोई चोरी नहीं कर सकता है। ये इनको देखो क्या कहते हैं, वो कौन है तुझसे कह रहा है, पहचान नहीं उनको। यीशु के सामने खड़ी है वो, उनको पहचान में नहीं आती है। ऐसे लोग हैं जो प्रभु के भवन में आते हैं लेकिन उनको पहचान नहीं है कि कौन है ये। मुझे पानी पिला तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। तो आपको जीवन का जल चाहिए आज, वो जीवन की नदी अगर बहने चाहिए तो फर्स्ट थिंग आपको करना है, आपको मांगना है। अपने हाथों को उठाकर बोलो, यीशु, बोलिए यीशु, मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, लेकिन मेरे जीवन में, लेकिन मेरे जीवन में जीवन की नदी बहने दे, जीवन की नदी बहने। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए इस वक्त, अपनी आवाजों को उठाकर प्रार्थना कीजिए इस वक्त। जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे मैं आपसे नहीं खाऊंगा बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, प्रार्थना करिए, हाथ वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर 2-3 लोग हैं जो लोग समझ रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जो लोग मांग रहे हैं अपने मुंह को खोलियो मेरी बहन इस वक्त। थैंक यू जीसस। अगर आप मुंह लेकर आए तो बोलिए प्रभु मेरे जीवन में तेरी नदी बहने दे। बोलिए प्रभु मेरे जीवन में, बिगिन टू प्रे, बिगिन टू प्रे, शुरू करें, बिगिन टू प्रे, प्रार्थना करना शुरू करें। बोलिए प्रभु मेरे तेरी नदी, तेरा जीवन का जल मेरे हर एक क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में बहने दे। इन द नेम ऑफ जीसस। Thank you, Father. We worship you in the name of Jesus. We give you the glory. हम आपको महिमा देते हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. Amen. इस वक्त सुनिए। तो वो समारित स्त्री होते हैं। She asked Jesus. उसने यीशु से कहा। Okay, now I want this water. ठीक है, मुझे अब ये पानी चाहिए। She said, I want this water. वो कहने लगी, मुझे अब ये पानी चाहिए। She now she understands. देखिए अब वो समझ गई। ये जो आदमी है कुछ अलग है। She said, "Give me this water." वो कहने लगी मुझे पानी दो। You know what Jesus said? Those who have read this, कितने लोगों ने पढ़ा है John chapter 4? कितने लोगों ने पढ़ा है यूहन्ना का 4? You know what Jesus says? आप जानते हैं यीशु क्या कहते हैं? Go and call your husband. जाकर अपने पति को बुला ला। Come on, praise the Lord. क्यों पता है? क्योंकि जीवन का जल जो है उसी स्थान पर बहता है जहां पर पश्चाताप हो। सब जो आप समझे नहीं, क्योंकि दो लोग समझ सकते। सब जो बोले जीवन का जल, बोले जीवन का जल वहीं पर बहता है, वहीं पर बहता है। कहीं कहां पर बहता है? जहां पर पश्चाताप हो, रिपेंटेंस हो, जहां पर पश्चाताप हो, रिपेंटेंस हो। तो उसने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। तो यीशु ने कहा, तू सच बोल रही है क्योंकि तेरा पति नहीं है, तू सिर्फ उनके साथ रह रही है। खुदा उनको एक्सपोज नहीं करना चाहता था, खुदा चाहती थी कि वो अपना जीवन बदल दे। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सुनिए, वो कबूल करती है कि हाँ मैं सही नहीं हूं और शायद आप भी सही नहीं हो। आपको एक चीज करना है, लोगों को बताना नहीं है, आपको एक चीज करना है कि खुदा मैंने पाप में जी रहा हूं, लेकिन प्रभु
आज तू मुझे कुछ नया कर प्रभु, आज से मैं ये गंदी चीजों को छोड़ देता हूं, ये आलसीपन को छोड़ देता हूं, आज से मैं प्रभु मैं चर्च में आ जाऊंगा प्रभु, कल से नहीं आज से प्रभु, आज से मैं तेरे वचनों को पढ़ूंगा, इस फालतू पिक्चरों को देखना बंद करूंगा प्रभु, बस जीवन का जल मेरे जीवन में बहने दे, ये तंबाकू बीड़ी सब प्रभु ये गंदगी को मैं बाहर फेंक रहा हूं, शराब को छूंगा भी नहीं प्रभु, उस गंदे जगह पे नहीं जाऊंगा मैं। खुदा सिर्फ ये चाहता है, बोलता बेटा मेरा कुछ तो कर रहा है, बेटी मेरी कुछ तो कर रही है। याद रखना आज जीवन का जल आपके जीवन में बहने लगेगा, लेकिन अगर आप अपना दिल कठोर करेगा, अरे मैं सब लोग कर रहे हैं तो मैं करेगा तो क्या हो गया, गए सर आप गए, जीवन का जल नहीं मौत का जल आप पी के उधर ही जाओगे आप। प्रेज द लॉर्ड, बोले प्रभु से। बहुत साल पहले हमारे हमारी सभा में एक व्यक्ति आए थे, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने, सच बोल रहा हूँ, ये गवाही प्रभु ने अभी दी है, तो मैं आपको फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जब ये बड़े बड़े लोग होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इससे बड़े बड़े होते हैं, तो कोई भी पार्टी में जाते हैं तो उनको चाहिए, कितने लोग समझ में क्या कह रहा हूँ, ग्लास चाहिए, बाजू वाले को बोलो ग्लास चाहिए, दूसरे वाले को बोले पानी का नहीं, समझ रहे हो ना भाई, हाँ समझ रहे हो ना भाई, हेलो समझ रहे हो ना, कोई को बोले अच्छा पानी का ग्लास, उनको चाहिए, और एक नहीं चाहिए सर, जब तक आप झूम झूमते नहीं ना, और जब तक वो कमरा झूमता नहीं वो पीते रहते हैं, बाजी वाले को फुकट का मिला तो कोई भी पिएगा। प्रेज द लॉर्ड, बोले प्रभु से। तो उस मीटिंग में वो आए, अभी बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों को क्या ना सब कुछ है, तो उन लोगों ना ऐसा बैठते जैसे कोई कोई लोग बैठे यहां पर है। तो उस दिन जो है यही जीवन का जल, जीवन की नदी बह रही थी, तो उस दिन मैंने कहा, उनको कहा मैंने कि तुम्हारे अगर जो लोग शराब पी रहे हैं, प्रभु से वादा करो प्रभु मेरे मुंह से ये लत निकाल दे। तो उनकी बीवी जो बैठी थी बोले मुंह पर हाथ रख, अभी कितना भी बड़ा मर्द हो बीवी की सुनना पड़ता है भाई, नहीं तो घर में एंट्री नहीं मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने ऐसे मुंह को छू दिया, बोले प्रभु जीवन की नदी बहने दे। जब वो रात को कई पार्टी में गए थे, कोई पार्टी होती, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे जब है ना, जब उनको कुछ दिया जाता है चर्च में तो उन्हें पार्टी हो जाती है, तो गए तो सामने ट्रे आई, तो उन्होंने सीधा हाथ दबा दिया और वो ग्लास उठा दिया, अभी मुंह में डाल दिया। जब उन्होंने मुंह में डाला तो उनको गटर जैसा अनुभव हुआ। तो उसकी बीवी ने बोला क्या हुआ, ये तो विस्की है जॉनी वॉकर। बोले जॉनी नहीं, ये पोनी लग रही है। हेलो, सच बोल रहा हूं आपको। तो उन्हें बियर का ग्लास उठा, बोले शायद मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है तो इसमें विस्की नहीं बियर लेता हूं। तो उन्हें बियर का ग्लास उठाया, जब उन्होंने बियर का ग्लास उठाया तो उनको लगा कि पानी पी रहा हूं मैं। उस दिन के बाद आज तक उन्हें कभी वो शराब नहीं पी, ये किसी इंसान ने नहीं किया, ये जीवन का जल जब आपके जीवन में बहता है ना सर, मैं सारी माताओं से, सारे बहनों से, सारे बच्चों से, सारे बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये जीवन का जल है ना मुफ्त है, लेकिन ये सस्ता नहीं है, आपको इसके लिए प्रार्थना करनी होगी। जो लोग अपने आपके बच्चा नहीं है, वो जल आपके पेट को छुएगा तो प्रभु आपको एक संतान देगा। हालेलुया।